मॉर्निंग एवरी वन फ्रॉम नाको। तो भाई कल रात को आ गए थे हम नाको। रात को जो हमें टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा था। अभी हम जा रहे हैं नाको लेक घूमने और यहाँ पे जो एक दो चीज़ें हैं उसको विजिट करने। अभी आज का जो हमारा प्लान है, पहले गयू मम्मी जाने का, आज के तो स्टे लेने का हमारा जो प्लान है वो है हमारा मूड में, हमारा दिन कैसा चाहता है। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन, आप सभी का स्वागत है एक और नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज़ द एपिसोड 4 ऑफ आर स्पिति राइड। सो आप सभी का स्वागत है इस राइड में। तो भाई यहाँ पे लिया था कल हमने स्टे, ये है आपका काठमांडू भगवती ढाबा। नाको में जैसे आप एंट्री लोगे तो आपको ये दिख जाएगा और रूम के प्राइस भी बहुत सही थे, 800 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। और बाकी इसके सामने से ये रास्ता जाता है जो कि जाता है आपका नाको लेक की तरफ। तो अभी चलते हैं नाको लेक और दिखाते हैं आपको एक बार नाको लेक। एक बार ज़रा व्यू देखो, ओए होए भाई, हल्की हल्की धूप और प्लस बादल, एकदम जो मौसम है ना एकदम बढ़िया लग रहा है एकदम। तो भाई नाको लेक है यहाँ से 300 से 400 मीटर की दूरी पे, वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आराम से आ सकते हो। सो भाई ये है नाको लेक के लिए जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई यहाँ पे, और वहाँ पे अपनी लेक। ओ भाई सीढ़ी बहुत बड़ी बड़ी है यार, है ना। तो भाई पहुंच चुके हैं नाको लेक, बारिश हल्की हल्की फिर से स्टार्ट हो गई है। भाई पानी का लेवल बहुत सही है यहाँ पे अभी का, रूट देखो एक बार। ओ भाई हो कितना खूबसूरत है यार ये, भाई मजा आ गया। एक बार देखो जरा आप भी वो, क्रिस्टल क्लियर वाटर। भाई ये जो लेक है ना ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और 270 मीटर गहरी है ये लेक, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बताते हैं इसको। सो गाइस दिस इज द फेमस मलिंग नाला शूटिंग स्टोन हेयर, सो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। भाई ये जो मलिंग नाला है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक वाली वाटर क्रॉसिंग होती है यहाँ पे, बट अभी पानी का फ्लो कम है तो वाटर क्रॉसिंग जो है वो नाम के बराबर है बिल्कुल, और बहुत ही छोटी वाटर क्रॉसिंग है। बट जब यहाँ पे मौसम ख़राब होता है, बारिश ज़्यादा हो, तो उस वक्त ये जो मलिंग नाला है ये आपका बहुत ही ख़तरनाक वाटर क्रॉसिंग में बदल जाता है। बाकी आप देख सकते हो कि रोड कैसा हो गया है यहाँ पे, एकदम खतरनाक वाला ऑफ रोड। तो भाई जब से नाको से मैं निकला हूँ तब से जो रोड है वो ना तो ख़राब है ना तो ज़्यादा अच्छी है, मीडियम रोड है, और अभी कंस्ट्रक्शन का काम इस रोड पे चल रहा है, तो होप सो इन फ्यूचर ये रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अभी सुमडो है यहाँ से अप्रोक्स 25 किलोमीटर। तो भाई सुमडो से पहले अपने को जाना है ग्यू। ग्यू एक विलेज पड़ता है आपका स्पीति के अंदर।
सो गाइज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लग रहा है स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन काजा ग्यू टेम्पल, और यहाँ पे है 500 साल पुरानी मम्मी जिसकी आप यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हो। ये है जो रोड, ये जा रहा है आपका ग्यू विलेज। सो स्पीति में आपका स्वागत है, चलते हैं आगे की तरफ। तो ये है ग्यू विलेज की एंट्रेंस, वेलकम टू ग्यू विलेज। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट को टर्न हो जाते हो तो आप निकल जाओगे ताबू की तरफ, और अगर आपको ग्यू विलेज जाना है, ग्यू मम्मी को देखना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो आप यहाँ से राइट टर्न हो जाओगे। यहाँ से 11 किलोमीटर अंदर है ग्यू विलेज। सो फर्स्ट चलते हैं हम ग्यू विलेज, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। सो ग्यू विलेज जाने के लिए आपको नाको से जब आप निकलोगे तो नाको से जो सुमडो का डिस्टेंस है वो है 25 किलोमीटर, और सुमडो से जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको दो रास्ते दिखेंगे। वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना होता है ताबू की तरफ, और जैसे ही आप ताबू की तरफ आगे बढ़ते हो तो आपको एक बोर्ड दिखेगा आफ्टर 2 किलोमीटर जो कि जाता है आपका ग्यू विलेज। तो फिर आपको दिखेंगे कुछ इस तरीके के नज़ारे जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। सो फाइनली वी आर एट ग्यू विलेज, और यहाँ से जो मम्मी रोड है वो है 1 किलोमीटर। दिस विलेज इज़ सो ब्यूटीफुल भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो एक बार अंदर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, जो यहाँ पे 500 साल पुरानी मम्मी है, हियर इज़ द मम्मी जो कि है आपकी 500 ईयर्स ओल्ड, और ये बहुत सालों से इसी पोस्चर में बैठी हुई है यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है इनका, यहाँ पे जो इनको स्थापित किया गया है। गाइस फाइनली वी कवर्ड ग्यू विलेज, एंड अभी निकल चुके हैं हम धनकर के लिए। होप सो आपको ग्यू विलेज अच्छा लगा होगा।